हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। ये हमारा साइलॉगिज्म का दूसरा लेक्चर है। कल मैंने आपका पहला लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाए थे साइलॉगिज्म के सारे। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ने लगे हैं जिसमें हम आज ईदर और सम नॉट और नॉट पॉसिबल के केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई भी मेरे लेक्चर में डिफ़िकल्टी आती है, कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर दूँगी। ओके, सो ये हमारा सिलेबस है सारा, जो हमारे जे एन के बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम साइलॉगिज्म देख रहे हैं, उसके बाद हम बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लेंगे। एंड विद इन टाइम आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल एबल हो जाएंगे। आपको आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपसे 35 क्वेश्चंस आराम से हो पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था कि आप एक बार इसे ट्राई कीजिए। अब देख लेते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। एंड आई अप्रिशिएट कि कल बहुत सारे बच्चों ने इसका रिप्लाई किया था, एंड बट क्योंकि उसके जो कमेंट्स थे वो वेरी कर रहे थे, बच्चों के जो रिप्लाइज थे वो वेरी कर रहे थे, तो आई थॉट कि मैं बता देती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स सी। सो सम रिजल्ट्स इज पास, all pass is fail and no pass is exam, right? ऐसे ही बनेगी इसकी वेन डायग्राम। सो अब इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज सम रिजल्ट इज नॉट फेल। अब हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स कि ये वाला पार्ट जो है रिजल्ट का वो तो फेल है, बट हमें इस पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये फेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये कंक्लूजन जो है ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। ऑलराइट, सो सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल फेल बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी। ये रहा फेल और ये रहा एग्जाम। अब फेल के अंदर ही हमारा पास आ रहा है जो कि कभी भी एग्जाम नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो कभी भी पूरा का पूरा फेल जो है वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, तो दैट मीन्स ये वाली हमारा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया और हमारा सोल्यूशन हो गया नॉन फॉल्स। ओके, अब क्योंकि कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो आप कहीं बार, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये एटमोस्ट, मोस्टली, एटलीस्ट। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन ये आती है कि हमने तो पढ़ा है ऑल सम, तो इन वर्ड्स को कैसे हम डिडक्ट करें, कैसे हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो सब कैटेगरीज होती हैं ये हमारी सम की ही कैटेगरीज होती हैं, इन सबको हम सम ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी, ऑल वाइट आर ब्लैक, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ गया ब्लैक। राइट, फिर मोस्टली रेड आर ब्लैक, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा रेड हमारा। राइट, देन एटलीस्ट सम ब्लैक इज ग्रीन, दिस इज ब्लैक एंड दिस शुड बी ग्रीन। तो आपने देखा हमने मोस्टली और एटलीस्ट दोनों को सम की तरह ही लिया है और हमने वेन डायग्राम भी एग्जैक्टली वैसे ही बनाई है। तो कंक्लूजन्स में जब हम जाएंगे तो देखिए मोस्टली ग्रीन आर रेड, ये रहे आपका ग्रीन और ये रहा आपका रेड, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप डिफाइंड है? नहीं, तो ये हमारा कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड अब देखते हैं, एटमोस्ट ग्रीन बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी। एटमोस्ट ग्रीन, दिस इज ग्रीन, दिस इज व्हाइट, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है?
नहीं, दैट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है, तो ये वाला हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा और इसका हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोस। आई होप आपको समझ आ गया हो ये वाला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम देखेंगे इधर और के केस, ठीक है। अब इधर और के केस के लिए पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इधर और कब कंसिडर किया जाता है। जब भी कोई दो स्टेटमेंट्स जो जो दो कंक्लूजन्स हैं वो इंडिविजुअली फॉल्स हैं, इंडिविजुअली वो ट्रू नहीं है, बट दे बिकम अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्या मतलब हुआ कि उनमें से कोई एक अगर ट्रू होता है तो दूसरा ट्रू कभी नहीं होगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सी, अब पहला आपका क्वेश्चन है, सम पेस्ट्रीज आर बनानास, सम एप्पल्स आर बनानास। अब मुझे ये तो पता है कि आपको वेन डायग्राम बहुत आराम से बनानी आ जाती है, तो आप पॉज कीजिए और फटाफट से इसकी वेन डायग्राम बना लीजिए ताकि फिर हम देखें इधर और का केस कैसे लगेगा इसमें। सी, सम पेस्ट्रीज आर बनानास, राइट, एंड सम एप्पल्स आर बनानास। ये हमारा बन गया, राइट। सो अब कंक्लूजन्स अगर देखें हम, तो कंक्लूजन्स में देखिए, फर्स्ट इज नो एप्पल इज अ पेस्ट्री। ये रहा एप्पल, ये रहा पेस्ट्री। क्या हमें एप्पल और पेस्ट्री के बीच में कोई रिलेशनशिप पता है? नहीं पता है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हमारी स्टेटमेंट्स में है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग है कंक्लूजन। अब सेकंड देख लीजिए, सम एप्पल्स आर पेस्ट्रीज। ये एप्पल्स पेस्ट्रीज, अगेन कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी कंक्लूजन रॉन्ग है। बट आप देखिए, इन दोनों में जिन ऑब्जेक्ट्स की बात करी हुई है वो दोनों सेम है, दैट मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हूं। ओके, सो जब दोनों इंडिविजुअली फॉल्स हैं और ये दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेम हैं, दैट मीन्स कि ये इधर और का केस बन सकता है, तो इसमें हम इधर और लगा देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, ऑल पेन्स आर इरेजर्स, राइट, ऑल इरेजर्स आर पेंसिल। ये रही आपकी पेंसिल, ठीक है, आई होप आप पढ़े जा रहे हैं। सम इरेजर आर स्केल, ये रहा इरेजर, तो यहां से हम लोग ऐसे बना लेंगे, सम इरेजर आर स्केल। ये रहा इसका डायग्राम, राइट। तो अब कैसे आएगा ये, अब इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं हम। सी, ऑल पेन्स आर स्केल, ये रहा पेन्स और ये रहा स्केल्स। क्या है? नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स रॉन्ग है। अब सम पेन्स आर स्केल, दिस इज पेन, दिस इज स्केल, अगेन कोई रिलेशनशिप नहीं है, रॉन्ग है। तीसरा भी क्योंकि सेम है तो रॉन्ग है, क्योंकि पेन्स और स्केल्स की ही बात की हुई है और इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए थर्ड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इधर वन और थ्री या इधर वन और टू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और कौन सा नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको इधर और में भी फंसा देता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने आपको अभी समझाया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकता है वही इधर और के केस में सैटिस्फाई कर पाए। ऑलराइट, तो अब देखिए, ऑल पेन्स आर स्केल, तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर कभी भी ऑल पेन स्केल हो जाते हैं, तो क्या सेकंड स्टेटमेंट उसके साथ ट्रू होगी कभी? अगर मतलब मान लो, अगर मैं ये हटा देती हूँ, अगर मैं इस सारे को हटा देती हूँ, आपने आई होप वेन डायग्राम से समझ लिया होगा, क्योंकि मैं वेन डायग्राम हटा देती हूँ। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस बता देती हूँ। देखिए,
आप मान लीजिए कि ये तीनों अब रॉन्ग थे। अब हम पहले इन दोनों को देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को, कि अगर कभी हमारा ऑल पेंस जो है वो स्केल होता है, ठीक है, तो क्या सेकेंड कंक्लूजन उसके साथ करेक्ट होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑल पेन स्केल्स हो गए तो सम पेन्स और नॉट स्केल कभी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। या फिर बट अब हम तीसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो तीसरी स्टेटमेंट है, अगर ऑल पेन्स आर स्केल हमने ट्रू कर दिया है इन केस, तो क्या सम स्केल्स आर नॉट पेन ट्रू हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका पेन नहीं है, राइट? सो ये ट्रू हो सकता है। सो इसीलिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये बन जाएगा, ना कि ये, ऑलराइट? सो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? इधर फर्स्ट और टू फॉलोस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को हम कैसे देखते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर नहीं भी समझ आया होगा, इस वीडियो को एक बार ही दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे देखिए, अगेन देयर इज एन एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इधर और केस। सी, ऑल सोफा आर चेयर्स, ओके, लेट मी स्टार्ट। All sofas are chairs, okay? And then all sofas are tables also. So ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है? Okay? Then some chairs are fans. ये आ गया fans आपका. And then no fan is a door. तो ये हमने बना दिया। अब देखिए, अब कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कंक्लूजन सही हैं कि नहीं। अब सम टेबल्स आर फैंस, ये टेबल रहे ये फैंस रहे, कोई रिलेशनशिप नहीं है, गलत हो गया। ऑल टेबल्स आर फैंस, ऑल टेबल्स आर फैंस, अगेन गलत हो गया। सम डोर्स आर चेयर्स, सम डोर्स आर चेयर्स, अगेन गलत हो गया। नो चेयर इज डोर, अगेन कोई रिलेशनशिप नहीं है, गलत हो गया। ओके तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन रहे हैं जिसमें सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी मैंने आपको बात की थी। यहाँ पे भी टेबल फैन है, यहाँ पे भी टेबल फैन है, राइट? यहाँ पे भी डोर चेयर है, यहाँ पे भी डोर चेयर है। अब इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है और कौन सा नहीं है? अगेन मैंने आपको बताया कि वैसे ही चेक करना है कि अगर इनमें से कोई एक ट्रू हो भी जाता है तो दूसरा ट्रू नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, अगर हम पहले वाले को देखें, ऑल टेबल्स आर फैंस अगर हो जाते हैं हमारे, देखिए अगर कभी भी हमारे ऑल टेबल्स जो हैं वो फैंस हो जाते हैं, तो क्या सम टेबल्स आर नॉट फैंस होगा? वो कभी नहीं होगा, है ना? क्योंकि सारे टेबल्स तो फैंस के अंदर आ गए हैं, तो अब कैसे कौन से टेबल्स होंगे जो फैंस नहीं होंगे? सो दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो इसमें इधर आपका केस लग सकता है। अब थर्ड फोर्थ को देख लेते हैं। सम डोर्स आर चेयर्स, नो चेयर इज डोर। अगर हम ये बना लेते हैं, सम डोर्स आर चेयर्स, राइट? तो फिर क्या नो चेयर इज डोर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इतना सा जो इसका पार्ट है, जो इसका ये पार्ट है, ये तो हमेशा ही रहेगा ना, ये तो हमेशा ही डोर रहेगा। तो दैट मीन्स ये कभी दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते। दैट मीन्स हमारे दोनों इधर और के केस बन गए हुए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अभी तक हमने इधर और में क्या देखा है कि इधर और में इंडिविजुअली दोनों कॉन्क्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए जिनमें इधर और का केस बने, और वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। ऑलराइट, आई होप आपको इधर और का केस समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नाउ कम्स दिस सम नॉट पार्ट। ओके, सो सम नॉट क्या होता है? अब मान लो आपको मैंने बोला,
पहले इसको बनाना सीख लो, ठीक है? मैंने आपको बोला कि सम ए आर नॉट बी, राइट? सम ए आर नॉट बी, तो कैसे होगा? ये रहा ए, अब ए का सिर्फ कुछ पार्ट है जो बी नहीं है, ऑलराइट? तो हमारी इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक है? और सम नॉट के केस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम नॉट इज ऑलवेज वन साइडेड रिलेशनशिप, मतलब कि अगर हमारे कंक्लूजन्स हो तो हमारा कंक्लूजन ऑल ए कैन बी बी, एक सेकेंड, हाँ, हमारा कंक्लूजन ऑल ए कैन बी बी रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी कभी नहीं हो सकता, राइट? सो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। बट अगर हमारा कंक्लूजन कभी हो ऑल बी कैन बी ए, तो क्या ये बी यहाँ पे फिट आ सकता है? ऑफ कोर्स, देखिए, अगर मुझे कभी भी ऑल बी कैन बी ए करना हो तो मैं बी को यहाँ रख दूंगी, यहाँ रख दिया तो फिर भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो चीज, वो कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये था कुछ बेसिक सम नॉट केस का। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन से भी समझा दूंगी, तो आई होप आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। All book is notes. See, all book is notes, right? Some marker is not notes. ये हमने बना दिया मार्कर, और कुछ मार्कर जो है वो हमारा नोट्स नहीं है। एंड ऑल पेन इज मार्कर। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये आ गया हमारा ये पेन, और ये मार्कर का कुछ पार्ट जो है वो नोट्स नहीं है। तो कंक्लूजन देखिए, अब सम पेन इज नॉट बुक, सम पेन इज नॉट बुक, तो क्या ये कंक्लूजन सही है? हमें पेन और बुक के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि पेन और बुक में कुछ कॉमन है या नहीं है? तो दैट मीन्स ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, राइट? सो सेकंड देख लेते हैं। सम मार्कर आर नॉट, ओ आई एम सॉरी, यहां पर नोट्स आएगा, एक सेकेंड, यहां पे बुक्स आएगा, यहां पर देर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर बुक्स आएगा। सम मार्कर आर नॉट बुक्स, ठीक है? तो क्योंकि बुक्स जो है वो नोट्स का ही पार्ट है, तो ये हमारा कंक्लूजन सही आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सम मार्कर इज नॉट नोट्स, तो दैट मीन्स सम मार्कर इज नॉट बुक्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए इसमें देखते हैं, अगेन मैंने आपको वही क्वेश्चन दिया है वापस, तो वापस बना लेते हैं। ऑल बुक्स इज नोट्स, मार्कर इज नॉट नोट्स, एंड ऑल पेन इज मार्कर। ऑलराइट, सो कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल पेन कैन बी नोट्स। ऑल पेन कैन बी नोट्स, हो सकता है क्या? हो सकता है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से बना देते, देखिए इस तरह से बना देते कि ये पेन यहां आ जाता, तो फिर भी तो मार्कर का कुछ पार्ट जो है वो नोट्स नहीं है, सही है? तो क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
की पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट, राइट। सो सेकेंड कॉन्क्लूजन देख लेते हैं, सम मार्कर कैन बी नोड्स, दिस इज मार्कर, दिस इज नोड्स। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ कुछ पार्ट है मार्कर का जो नहीं है नोड्स, तो कुछ पार्ट तो हो सकता है नोड्स, बिल्कुल हो सकता है, तो दैट मीन्स ये भी करेक्ट है, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे तो मार्कर बना सकते हैं ना कि मार्कर का इतना सा जो पार्ट है वो नोट्स हो जाए, फिर भी तो इतना सारा पार्ट रहेगा जो नोट्स नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि ये भी हमारा कंक्लूजन सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वन एंड टू फॉलोज। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए अब इसका बना के देखिए, All sky is moon, okay? Some sky is not star, ये रहा sky, ये रहा star, ठीक है? And all air is star, तो ये आ गई हमारी air, ठीक है? अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सम स्काई आर नॉट एयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्काई आर नॉट एयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबल है? सम स्काई आर नॉट एयर इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है? देखो सम स्काई, ये रहा स्काई, स्काई का कुछ पार्ट जो है वो एयर नहीं होगा, ओके? बट हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि जो स्काई है वो एयर नहीं होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है ना हमारी स्टेटमेंट में, एयर जो है वो स्टार का पार्ट है, और स्काई जो है उसके लिए तो सीधे बोला है कि सम पार्ट ऑफ स्काई इज नॉट स्टार, दैट मीन्स inclusively some part of sky is not air, तो ये तो हमारी definitely true statement है, तो इसकी possibility हमारी wrong है, okay? So this case is not possible. Second देखिए, all moon can be air, this is moon, this is air, again all moon कभी भी air हो सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि some sky is not star. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कभी हमारा एयर में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कुछ स्काई का पार्ट कभी स्टार नहीं होगा, ऑलराइट? तो एयर तो स्टार का पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कभी भी एयर में नहीं आ पाएगा, तो ये वाली भी हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा नन फॉलोज, ओके? आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप प्लीज एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे आप मुझे क्वेरी लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, ओके? बट फर्स्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो एक से ज्यादा बार देखिएगा, अगर आपको पहली बारी में समझ नहीं आती है तो आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉट पॉसिबल। कल हमने देखा था कि पॉसिबल केसेस कैसे होते हैं। पॉसिबल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें आपकी स्टेटमेंट जो होती है उसके कोई रिलेशनशिप नहीं बताया होता है। सो जब दो जो आपकी स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बताया है तो वो पॉसिबल केस बन जाता है। बट नॉट पॉसिबल केस क्या हुआ फिर? जब भी कोई एक स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होगी, मतलब कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, तभी उसका कोई पॉसिबल केस नहीं बनेगा। ऑलराइट, सो नॉट पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसका एक ही छोटी सी ट्रिक है कि आपको बस ये देखना है कि क्या वो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी के बिना एग्जिस्ट करती है। अगर तो करती है तो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है बनने की। Alright, so अब देख लेते हैं questions, आपको समझ आ जाएगा। See, यहाँ पे all fan are AC, ये देखिए fan है,
ये हमारा आ गया एसी। ऑल फैन इज बॉल, तो मैं इसको बना लेती हूँ वापस से। ये देखिए ये फैन आ गया, ये आ गया एसी, ये आ गया हमारा बॉल, राइट। नो एसी इज कूलर, तो ये हमारा आ गया कूलर, राइट। सो अब देख लेते हैं। अब पहला कंक्लूजन है सम बॉल कैन बी कूलर। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। अब देखो बॉल है, कूलर है, कोई रिलेशनशिप है। ये वाला पार्ट जो है बॉल का वो तो क्या होगा, कूलर नहीं होगा, बट ये वाला पार्ट तो कूलर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो दैट मींस कि ये वाला हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ओके, सो सेकंड कंक्लूजन को देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। यस, ये वाला कंक्लूजन हमारा सही है। अब नॉट अ पॉसिबिलिटी वाला केस देखते हैं। ऑल कूलर बींग फैन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ऑल कूलर बींग फैन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए कूलर जो है वो क्या कभी पूरा फैन हो सकता है? देखो ये कूलर है, ये फैन है, क्या ये कभी पूरा फैन में जाएगा? ये क्या कभी पूरा फैन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फैन ऑलरेडी पार्ट है एसी का, और एसी कभी भी कूलर नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है कि नो एसी इज कूलर, दैट मींस इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो दैट मींस ये भी करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। देखिए ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। आप नॉट पॉसिबिलिटी का ये केस ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो कल के वीडियो लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ इसे सॉल्व करके देखिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और साइलॉगिज्म से डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, बस आप, और आई एम श्योर कि आपकी एक्यूरेसी इसमें 5 out of 5 हो जाएगी पेपर के टाइम पे। सो विद दैट थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी फीडबैक या क्वेरी हो वो आप कमेंट में दे दीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।